हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो क्रमिक विकास हुआ है वो किस तरह हुआ है। देखिए पहले कैसे छोटी छोटी चीज़ें होती थी और बाद में वो चीज़ें कैसे बदल गई। पहले चीज़ें बड़ी होती थी लेकिन बाद में वे चीज़ें बाद में छोटी होती चली गई। इसी तरह से कंप्यूटर में भी देखिए पहले बड़ा कंप्यूटर होता था और अब छोटा कंप्यूटर लैपटॉप के रूप में आ गया। इस तरह से जो भी चीजें पहले बड़ी होती हैं लेकिन बाद में वो छोटी होती जाती हैं। कंप्यूटर का विकास में अचानक नहीं हो गया बल्कि इसमें बहुत सारा समय लगा हुआ है। सबसे पहले एबकस आया। एबकस देखिए इस तरह से इसमें काउंटिंग होती थी, एबकस होता था चाइनीज। इसके बाद नेपियर्स बोन्स का कैलकुलेटिंग सिस्टम आया। इसके बाद पैस्केलाइन आया, देख लीजिए पैस्केलाइन। इसके बाद डिफरेंस इंजन आया इस तरह का कैलकुलेटिंग के लिए। इसके बाद एनालिटिकल इंजन आया इस तरह का। इसके बाद टैबुलेटिंग मशीन इस तरह से, द टैबुलेटिंग मशीन वाज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इन्वेंटेड बाय हरमन हॉलरिथ। इस तरह से टैबुलेटिंग मशीन स्टार्ट हुआ। फिर ENIAC आया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यानी पूरी एक प्रक्रिया थी, कंप्यूटर को आज के रूप में आने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। पायनियर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आजकल का जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसके अग्रदूत ये लोग थे, जैसे चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज वान एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ही डिजाइन द डिफरेंस इंजन। ही ऑल्सो डेवलप्ड प्लान्स फॉर द एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन हाउएवर वाज नेवर कंप्लीटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो चार्ल्स बैबेज को ऐसा माना जाता है कि ये आधुनिक कंप्यूटर के पितामह हैं, फादर हैं। इसके बारे में आप लोग देख लेंगे और भी सारे इसमें वैज्ञानिक हैं जो आप देख रहे हैं। एलन ट्यूरिंग वॉज एन इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट। अब हम लोग आते हैं फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको मालूम है जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें कंप्यूटर बहुत बड़े साइज के होते थे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती थी, ये बहुत गर्म हो जाते थे, इसको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन की आवश्यकता पड़ती थी, और जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थे स्लो होते थे, ये अनरिलायबल था यानी कि ये इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और ये बहुत कॉस्टली था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऐसा माना जाता है कि 1959 से 1963 का जो पीरियड है वो सेकेंड जनरेशन है, और 1940 से 1958 तक का जो जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, कंप्यूटर थोड़े से छोटे हो गए फर्स्ट जनरेशन के साइज से, बिजली की आवश्यकता कम पड़ी फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में, लेकिन अभी भी ये कॉस्टली बहुत थे। इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, इसमें बिजली थोड़ी कम यूज हो रही थी और इसमें हीट भी कम निकल रही थी, लेसर मेंटेनेंस था, एयर कंडीशनर इसमें भी आवश्यक था। तो थर्ड जनरेशन को आप देख रहे हैं 1964 से 1970 तक। इसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का आया 1971 से प्रेजेंट तक। फोर्थ जनरेशन में आप देख रहे हैं कि वेरी स्मॉल साइज, पोर्टेबल एंड रिलायबल, वेरी चीप, नो एयर कंडीशनर नीडेड, कंप्यूटर्स बिकम इजिली अवेलेबल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, हैविंग मेनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आजकल
जो ये 1971 से आज तक का जो समय था या है, ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए माना जाता है। अब आते हैं पांचवें जनरेशन पे। पांचवा जनरेशन होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, 10 मिलियन कंपोनेंट्स होंगे। देखिए, गूगल इसमें एक सेल्फ ड्राइविंग कार भी बना रहा है, ये भी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही आएगा। आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, मोबाइल कंप्यूटर्स, गेम कंसोल्स, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को भी आप पढ़ेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं उसको डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, उसको लिखेंगे और बुक्स को फिल करेंगे। पेज नंबर 12 एक्सरसाइज कॉर्नर, आप इस आंसर को देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज वॉज इन्वेंटेड बाई द चाइनीज टू परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन, इसका आंसर है एबकस। बाकी आंसर्स को भी आप देख लेंगे और वीडियो को पॉज करके आंसर को लिखेंगे। बी आपका होमवर्क है, ये होमवर्क के रूप में ट्रीट करेंगे। सी को आप देख के लिखेंगे। हैप्पी लर्निंग।